नमस्कार, स्ट्रीट बज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा वर्मा। मनुष्य जाति को बुरी तरह प्रभावित करने वाला कोरोना वायरस से पशुओं के संक्रमण होने की खबर मिलने के बाद अब पेट डॉग की चिंता बढ़ गई है। वहीं डॉक्टर्स का मानना है कि मानव वायरस जानवरों पर असर नहीं करता, फिर भी सावधानी जरूरी है और पशुओं के बीमार होने पर चिकित्सक से सलाह लें। पेट डॉग के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद अभी आशंका जताई जा रही है कि कोरोना वायरस जानवरों को भी संक्रमित कर रहा है। ऐसे में अगर आपके पालतू जानवर में कोई भी लक्षण देखने को मिलते हैं तो तुरंत चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। आमतौर पर जानवरों में वायरस पहले से ही होता है, जिसका वैक्सीन जब जानवरों को जांच के लिए लाते हैं तभी उनको वैक्सीन दे दिया जाता है। अभी तक तो जानवरों में कोरोना का कोई भी लक्षण देखने को नहीं मिला है। जहाँ तक मेरे घर में भी 7-8 कुत्ते हैं, जर्मन शेफर्ड, लैब्राडोर, गोल्डन रिट्रीवर। बस वही कि अपने कुत्ते को कम से कम, जैसे प्रशासन बोल रही है आप घरों से कम निकले, तो ऐसे ही कुत्तों को भी घर से कम निकालें। जितना जरूरत है बस उतना ही निकालना है। जितना हो सके आप घर में जो अपने डॉग का केयर करें, क्योंकि आप सुरक्षित रहिएगा, आपका डॉग भी सुरक्षित रहेगा। अब डॉग के बहाने से अगर आप बाहर घूमेंगे तो आपको भी नुकसान है, आपके डॉग को भी नुकसान है। ये मानते हैं खतरा डॉगों पर ही भी है। देखिए, जब इंसान पे है तो डॉग के ऊपर भी होने का चांसेस से इनकार नहीं किया जा सकता। हो सकता है डॉग को भी हो सके, इससे संक्रमण और भी बढ़ेगा। जी बिल्कुल, जैसे परवो है, परवो जो जिस डॉग को होता है वो जहाँ सुसु पोटो करता है, आपका अदर डॉग भी सूंघने से परवो फैल जाता है। तो हो सकता है कि आपका डॉग को भी असर करता हो। ऐसा जब कोई केस सामने आएगा तब पता चलेगा कि ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। डॉक्टर्स के अनुसार कई पशु भी पॉजिटिव मिले हैं। आरटीपीसीआर टेस्ट के बाद उन पर नज़र रखी जा रही है। जानवरों में कोरोना लक्षण पाए जाने पर जुस्को पशु चिकित्सक शांति रावर्ते का कहना है कि सीसीएमबी आरटीपीसीआर रिपोर्ट का इंतज़ार किया जाता है, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। तब तक रिपोर्ट का इंतज़ार रहता है। कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए सजग रहने की ज़रूरत है। उस कंडीशन में उसको वैक्सीनेशन नहीं दिया जाएगा जब तक वो ठीक नहीं होगा। तो उस टाइप में हमको उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है, जिसमें उसको सलाइन दिया जाएगा, सलाइन के उसमें इंजेक्शन दिया जाएगा, कोमेटिंग का इंजेक्शन दिया जाएगा, लूज मोशन का इंजेक्शन दिया जाएगा और उसको प्रॉपरली केयर किया जाएगा। तो ये डिसीज रिकवर होने के लिए कम से कम 8-10 डेज लगता है। आफ्टर 8-10 डेज के बाद उसको हम मल्टीविटामिन या फिर लिवर टॉनिक देंगे, जो कि बॉडी या ये इम्यूनिटी बूस्टर देंगे। एंड आफ्टर 15-20 डेज के बाद फिर इसको हम वैक्सीनेशन दिया जाता है। क्या मानते हैं कि ये संक्रमण ऐसा अगर जानवरों पे हो तो इफेक्ट पड़ेगा? इफेक्ट थोड़ा पड़ेगा, बट ह्यूमंस ऐसे वैक्सीनेशन प्रॉपरली ले लेते हैं तो उसका इफेक्ट ह्यूमन बॉडी के ऊपर नहीं पड़ेगा। जो घर में प्रभावित है जैसे आम आदमी हो सकता है? नहीं, जैसे आदमी जैसे कोई इन्फेक्टेड है तो उसका जानवर के ऊपर नहीं होगा, इसलिए कि उनका जो जानवर है वो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है, इसलिए उसके ऊपर उसका प्रभाव नहीं होगा। लेकिन जैसे संक्रमण का खतरा बढ़ा तो जानवरों पे भी हो सकता है? बढ़ा तो जानवरों को भी ऊपर भी हो सकता है। जब इंसानों के साथ ही संक्रमण जानवरों में भी देखने को मिल रहा है, उन्होंने कहा कि टेस्ट के नमूने उन्नत प्रयोगशालाओं में जाँच के बाद ही कहा जा सकता है कोरोना वायरस हवा के माध्यम से आया या फिर किसी और माध्यम से। उन्होंने बताया कि ऐसे में माना जा रहा है कि आसपास रह रहे लोगों के संपर्क में आने से जानवरों में भी संक्रमण हो सकता है, लेकिन संक्रमण कैसे हुआ ये तो जांच का विषय है। लेकिन इस घटना ने ये साफ कर दिया है कि संक्रमण से पशु भी अछूते नहीं हैं। पशु चिकित्सक शांति रावर्ते का कहना है कि पशु और मनुष्य के वायरस एक दूसरे को कम ही इफेक्ट करते हैं। इसकी वजह यह है कि जानवरों में पाए जाने वाले वायरस की प्रवृत्ति मनुष्य को बीमार करने वाले वायरस की प्रवृत्ति से अलग है। उन्होंने बताया कि जैसे टीबी जैसी बीमारी मनुष्य और जानवरों दोनों में पाई जाती है, लेकिन दोनों को प्रभावित करने वाले वायरस अलग अलग होते हैं। इसी तरह कोरोना वायरस भी ये अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका ये भी कहना है कि अभी ये वायरस नया है, इसलिए ये ज़रूरी है कि अगर आपको अपने पेट्स में किसी भी तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। अगर इन दिनों आपका डॉगी सुस्त रहता हो, खाना पीना बंद कर दिया हो, दस्त लग रहे हो या फिर बुखार रहता हो, इसके अलावा अगर वो अधिक उग्र हो रहा हो तो उसको तुरंत पशु चिकित्सक के पास ले जाए। फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए स्ट्रीट बज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।